हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ कुछ यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स टू पुश कॉन्करर विद इन 10 डेज़। आप 10 दिन के अंदर कॉन्करर पहुँच जाओगे अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो। एंड इस वीडियो में मैं आपको सभी टिप्स पॉइंट बाय पॉइंट्स बताऊँगा, तो इस वीडियो को स्किप मत करना और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट है हाउ टू लैंड। तो मैं आपको इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा कि आप अपनी पर्टिकुलर प्लेस बना लो कि मुझे इस प्लेस पे उतरना है। बट कभी कभार क्या होता है कि कोई बंदे अपने बना लेते हैं फिक्स प्लेस, बट होता ये है कि कभी प्लेइंग की जो डायरेक्शन होती है वो उस प्लेस से क्लोज होती है, तो वहाँ पे बंदे आने की परसेंटेज ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए बंदे वहाँ पर नहीं जाते, उस जगह को छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और कोई दूसरी जगह जाते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेसेस बताने वाला हूँ जहाँ पे आप उतर सकते हो इरेंगल मैप में, जो कि मैंने खुद एडिट करी है। और यहाँ पे आपको मैंने कुछ ऐसे सेफ प्लेसेस मार्क करके दी हुई जहाँ पे आपको उतरना चाहिए रैंक पुश करते वक्त। तो आप एक बार ये इमेज देख लीजिए। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर होने वाली है आप लोगों के लिए। सो अब मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा इन प्लेसेस के बारे में कि यहाँ पे बंदे आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कभी के बार बंदे भी आ जाते हैं क्योंकि वो भी रैंक पुशर्स होते हैं, तो वो भी इस जगह पर आ जाते हैं। सो आपको भागना नहीं चाहिए यार, अगर वो अलग बात है आपके पास गन ना हो, आपके पास गन हो तो आप मारने की कोशिश करो, अदरवाइज़ यार फिर आप तो न्यू प्लेयर हो, क्योंकि रैंक पुश करने का कोई मतलब नहीं है, रैंक पुश करके स्किल्स बिगाड़ना कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा, अगर आप जहाँ पे सेफ खेल रहे हो वहाँ पे अगर आ जाता है एक रियल बंदा लैंड कर लेता है, उसको गन मिल जाती है, आपको भी गन मिल जाती है, तो आप पीछे मत भागो, उससे फ़ाइट लो क्योंकि आपके पास गन है। और जिनके पास अच्छा डिवाइस नहीं है वो तो अवॉइड कर दो फाइट को, बिकॉज स्टार्टिंग में माइनस करवाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर आप फालतू में रिक्स ले लोगे बिकॉज आपके पास अच्छा डिवाइस नहीं है, हो सकता है बंदा आपके सामने आपका गेम लैग हो जाए। सो वहाँ से भाग ही लो उस सिचुएशन में, और अगर आपके पास अच्छा डिवाइस होता है तो आपको नहीं भागना चाहिए। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर टू में। सो पॉइंट नंबर टू, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आपको 10 मिनट्स करके कैसे भी सर्वाइव करना है, आपको सेफ खेलना है 10 मिनट्स तक, आपको 10 मिनट के अंदर मरना नहीं है, बिकॉज अगर आप मर गए तो आपकी माइनस होगी बहुत गंदी वाली। 10 मिनट्स के ऊपर भी वाले भी माइनस होती है कभी कभार, लेकिन वो डायमंड में होता है, क्राउन में होता है और एस पे होता है, और अगर आपके ज़्यादा किल होंगे तो आपकी शायद ही माइनस होगी। सो आपको कैसे भी करके 10 मिनट्स तो सर्वाइव करना ही है, फिर जाकर के आप फाइट ले सकते हो। आपको कंपाउंड बाय कंपाउंड खेलना है गेम, अगर जोन पे आ जाता है तो आपको लूट करनी है कंपाउंड बाय कंपाउंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे भी करके सर्वाइव करना है 10 मिनट्स, वरना फिर आपका रैंक पुश करना मुश्किल हो जाएगा। सो अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री में। सो पॉइंट नंबर थ्री, प्ले कंपाउंड बाय कंपाउंड। आपको कंपाउंड बाय कंपाउंड खेलना है अपनी गाड़ी के साथ में विद व्हीकल। सो आपको क्या करना है कि आप लूट कर लेते हो 10 मिनट्स तक, तो आपको हर कंपाउंड में जा कर के कैंप करना है, और वहाँ पे आप मैप पे एक लोकेशन चूज़ कर लो कि भाई इस कंपाउंड में मुझे जाना है, तो उस कंपाउंड में जाओ, अगर वहाँ पे बंदे होते हैं उनसे फाइट लो, और अगर बंदे नहीं होते तो वहाँ पे कैंप करो, और अगर वहाँ पे बंदे नहीं होते तो आपको 1 से 2 मिनट आपको कैंप करना है, देन आपको दूसरी जगह पर जाना है। और आपको याद रखना है कि हमें ओपन में जाना ही नहीं, ओपन में बिल्कुल नहीं जाना, अगर आप ओपन में गए तो बहुत गंदी मौत मारे जाओगे यार, क्योंकि बंदे जो होते हैं बहुत ही अलग तरीके का कैंप करे होते हैं, घासों में लेटे रहते हैं जिनको नहीं पता, लेकिन वो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज वो ओपन होता है और उनको लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, बट उनको बंदे देखते हैं और वो बहुत ही ईजिली स्पॉट हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रोन हुए होते हैं घासों में, अगर उनके अच्छे वाले कपड़े पहने हुए होते हैं बहुत ही मतलब रंग बिरंगे कपड़े, तो बंदे स्पॉट ईजिली हो जाते हैं। सो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता आपके ओपन में लेट हो। सो आप आऊँगा मैं पॉइंट नंबर फोर पे। सो नंबर फोर पॉइंट, प्ले जोन टू जोन विद व्हीकल। तो आपको व्हीकल के साथ, गाड़ी के साथ आपको जोन टू जोन खेलना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जोन के सेंटर में नहीं जाना है, बिकॉज जोन के सेंटर में हमेशा बंदे होते हैं जो कैम करके रखे हुए होते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जोन टू जोन गेम खेलना है, और
जोन टू जोन में अगर एक कंपाउंड में आपकी फाइट हो जाती है एक बंदे से, तो आपको भागना नहीं है, आपको बंदे से फाइट करनी है। बिकॉज अगर आप फाइट नहीं करते, आप भागते रहोगे पूरे गेम में, आपकी ना केडी बढ़ेगी और आपको ना किल मिलेंगे, और अगर आपको किल नहीं मिलेंगे तो आपकी प्लस नहीं होगी, और आपकी प्लस नहीं होगी तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होगा। सो इसलिए आपको जोन टू जोन खेलना है। सो अब मैं आना चाहूँगा पॉइंट नंबर 5th में। सो पॉइंट नंबर 5th इज रश। और रश कब करना है? जब आपको गेम खेले हुए हो जाएंगे 18 मिनट्स। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया था स्टार्टिंग में, कि आपको पूरा गेम खेलने से पहले आपको अपना टाइम देख लेना है फ़ोन के अंदर, कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे मैच को स्टार्ट कर रहा हूँ, और वहाँ से टाइम को काउंट करना स्टार्ट कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा कि मैंने कितने मिनट सेफ खेला है, कितने मिनट रश किया, कितने मिनट कैम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूँ, तो आपको जब 18 मिनट्स हो जाते हैं गेम खेलते हुए, तो आपको एक कंपाउंड में रश करना है। अगर आप स्क्वाड खेल रहे हो तो आप अपनी टीम को लेकर के जाओ, और अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप अकेले भी जा सकते हो, बिकॉज आप रिस्क ले सकते हो, आपके माइनस होने का डर नहीं है उसमें 18 मिनट में तो आपकी प्लस ही होगी, चाहे एक दो प्लस ही क्यों ना हो, लेकिन प्लस तो ज़रूर होगी। सो आपको क्या करना है, 18 मिनट्स में आपको केयरफुली रश करना है, और मुश्किल से वहाँ पे कोशिश करिए कि अगर स्क्वाड खेल रहे हो तो कम से कम एक दो किल तो निकाल ही लो, दो किल तो निकाल ही लो, बिकॉज अगर किल नहीं होंगे तो प्लस नहीं होगी। और अगर सोलो खेल रहे हो ना, तो सोलो में यार आप इजीली रश कर सकते हो एक बंदे के ऊपर, सो सोच समझ के उसके ऊपर रश कर दो एंड आपको एक किल मिल जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रश करो 18 मिनट्स पे रश करो, ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए, आप मर भी जाओगे तो आपकी माइनस नहीं होगी। सो अब मैं आऊँगा पॉइंट नंबर 6 में। सो पॉइंट नंबर 6 इज किल एनिमी विद व्हीकल। सो आप 18 मिनट्स के बाद अगर रश करते हो, पिछले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, आप रश करने के बाद आपको मान लीजिए 22 मिनट्स हो गए, 4 मिनट आपने रश में ले लिए, तो अब आपको क्या करना है, गाड़ी लेकर के इधर उधर घूमना है और कोशिश करनी कि बंदा अगर ओपन में होता है तो आप उसको किल कर लीजिए, और बंदा अगर कोई कंपाउंड से शूट कर रहा है तो वहाँ से आप भाग लीजिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको बंदा ओपन में दिखता है तो आपको गाड़ी लेकर के जानी है वहाँ पे, और गाड़ी से कुचल देना है, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप गाड़ी से कुचलोगे तो बहुत इजी किल होगा ये। तो एक बार अगर मैं आपको कोई बात बताऊँ, तो मैं लास्ट में कैम कर रहा था, लास्ट में कब से मुझे 25 मिनट्स हो चुके थे वहाँ पे प्ले करते हुए, मैं कैम कर रहा था। देन उसके बाद मैं क्या किया, मैं अकेला बंदा था, सोलो वर्सेस स्क्वाड हो गया था, बिकॉज जो बंदे थे मेरे टीममेट्स वो मर चुके थे स्टार्टिंग में। सो मैं बचा था अकेला, और जोन आ चुका था, मैं जोन के अंदर जा रहा था। उतने में क्या हुआ था कि तीन बंदे ओपन में फाइट कर रहे थे, ठीक है। तो अब मैं तीन बंदों में वहाँ पे जाके फाइट नहीं लेता हूँ, मेरे पास गाड़ी तो अपने फाइट क्यों ले। तो मैं क्या करता हूँ, हाथों हाथ उस सिचुएशन में मैं गाड़ी लेकर के जाता हूँ बंदों के पास और कुचल देता हूँ दोनों बंदों को, एक साथ कुचल देता हूँ। एक बंदा ओपन में लेटा होता है उसको भी मैं कुचल देता हूँ, और चिकन डिनर मेरे को फ्री में मिल जाता है। वक्त मेरे पास ग्रोजा भी होती है तो भी मैं उतर के नहीं मारता। सो जब बंदे ओपन में हो तो गाड़ी से कुचल दो, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो मैं अब आऊँगा नेक्स्ट पॉइंट पे। सो पॉइंट नंबर 7 इज होल्ड एनी कंपाउंड। तो लास्ट का जो वक्त होता है हमारे पास, तो उसमें आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड को कैम करना है। कोशिश ये करें कि आप जोन में हो, और जोन में जहाँ पे एक कंपाउंड हो वहाँ पर जाके उसे कैम करने की कोशिश करो। जोन के बाहर मत जाओ, बिकॉज जोन के बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है, और डैमेज लेने से कोई भी मतलब नहीं है यार, बिकॉज वहाँ पे बंदे भी होते हैं जो कैम करते हैं। तो मैं ये तो आपको रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। सो आप जोन के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जा कर के वहाँ पे कैम कर लो, और जब तक वहाँ पे बंदा नहीं आता आप वहाँ से मत हटो, और जब तक जोन नहीं आता जब तक मत हटो उस जगह से। सो जैसे जोन आता है आप जोन के अंदर जा कर के एक जो कंपाउंड होता है वहाँ पे जाके कैम कर लो, और जब आप कैम करते हो तो वहाँ पे मैप खोल के मार्क ज़रूर लगा लो कि हमें कहाँ पे जाके कैम करना है जोन के अंदर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और बात कि आपको एक दिन में एटलीस्ट 6 आवर तो खेलना ही है, 3 to 6 hours तो कम से कम आपको गेम खेलना ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो पॉइंट 8, किल एनिमी केयरफुली।
तो आपको क्या करना है, लास्ट जोन जब आपके पास होता है तो उस लास्ट जोन में आपको क्या करना है, आपको एनिमीज को केयरफुली किल करना है। किल तो आपको करना ही है लास्ट जोन में, आप कैंप नहीं कर सकते क्योंकि बंदे आएंगे और लास्ट जोन बहुत छोटा हो जाएगा, जब तो आपको फाइट लेनी ही पड़ेगी। और जब अगर आप मर भी जाते हो तो आपके माइनस तो बिल्कुल ही नहीं होगी, तो आपको सर्वाइवर के पॉइंट मिल जाएंगे उसमें। तो अगर आपको केडी बढ़ानी है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, लास्ट का जो जोन होता है, सबसे लास्ट जोन जो बहुत छोटा होता है, तो उसमें अपन को बहुत अच्छा एडवांटेज होता है कि अपन कितने भी किल ले सकते हैं। और वही टाइम होता है जिसमें अपन चिकटे निकाल के अच्छे पॉइंट गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें आप बहुत ही सीरियसली गेम खेलिए। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सारे कंप्लीट टोटल 8 पॉइंट्स को कवर किया है, और जिनमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक बहुत सारे टिप्स बताई है कि आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक क्या टिप को फॉलो करना चाहिए, वो मैंने आपको सब बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो आपको वीडियो पर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे, कि आपकी वीडियो कैसी अच्छी लगी और आपके लिए यूज़फुल भी हो तो वो भी बताना। तो गाइस, अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।